हेलो, सभी को स्वागत है हमारे चैनल, आपके चैनल देसी ब्लॉगर पे। और मैं आज आप लोगों को हमारा कैंपस दिखाऊंगा IIIT NR का। तो मैं शुरू करता हूँ हम लोगों के हॉस्टल भावा हाउस से। और हाँ यार, यहाँ कोरोना फिर से आ गया है, तो मेरे को मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मास्क के मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। तो मैं मास्क लगा लेता हूँ, नहीं तो भैया मेरे को यहीं एक डंडा देंगे और फिर बोलेंगे मास्क लगा ले भाई। तो ये हमारा भावा हाउस है पीछे, जिससे मैं अभी निकल रहा हूँ। तो भावा हाउस से निकलेंगे जैसे ही, जस्ट सामने है, मैं दिखाऊंगा, यहाँ बोस हाउस है, पीछे बोस हाउस है जिसमें गर्ल्स लोग रहते हैं और भावा हाउस में हम लोग रहते हैं। तो अपना कैंपस जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं पूरा कैंपस में घुमाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। कोशिश करता हूँ कि क्लियर आवाज़ आए। अब हो गया, मैं निकल गया हूँ कैंपस से। तो कैंपस में निकल गया हूँ तो फिर कोशिश करूँगा कि मास्क अवॉइड करूँ, क्योंकि आवाज़ थोड़ा सही से आएगा नहीं आएगा नहीं पता। तो मैं आप लोगों को लेके चाहूँगा, क्योंकि कैंपस के चारों ओर रोड तो है ही, तो फिर रोड में घूमते घूमते पूरा कैंपस घुमाता हूँ मैं आप लोगों को, और दिखाता हूँ आगे, और दिखाता हूँ पूरा कैंपस। तो चलते हैं आगे, देखते देखते कि अब कैंपस में एंट्री कैसे होता है। उधर कार वार जाती है वहाँ से, यहाँ से अपन जाते हैं, एंट्री लेते हैं। जब भी कोई आता है जाता है, यहाँ एंट्री हो जाता है उनका। और एंट्री होने के बाद ये हम लोगों का कैंपस का स्टार्टिंग है। इधर से जाते हैं, ये जो है यहाँ से जाते हैं हम लोगों का हॉस्टल, और इधर है एकेडमिक सेशन। चलते चलते आ गए हैं यहाँ एकेडमिक के पास, और यहाँ से आते हैं दो रास्ते। ये जो है इधर है ना, ये अपने को कैंटीन लेके जाएगा, और फिर सामने हम लोगों के जस्ट सामने, इधर से दिखाऊंगा मैं, हम लोगों के जस्ट सामने ये एकेडमिक ब्लॉक है। तो एकेडमिक ब्लॉक के अंदर तो अभी जा सकते हैं, बट कोविड का इतना अभी प्रकोप आ चुका है यहाँ कि भाई हाँ ठीक है, बिना मास्क लगाए अपन अंदर नहीं आ सकते। तो बस कैंपस दिखा रहा हूँ, तो ओवरव्यू रहेगा अभी, है ना। कभी आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा तो पूरा अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई चीज़ें कैसी चलती हैं वहाँ, क्या हो रहा है। और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ये अपना एकेडमिक ब्लॉग के जस्ट सामने हूँ मैं, तो एकेडमिक ब्लॉग सामने दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ है हमारे बाबा साहब ठाकुर जी।
ये जो है वो रमन हाउस है जिसपे सेकेंड ईयर से एमटेक की गर्ल्स लोग रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्टल है जो पूरे हॉस्टल में गर्ल्स लोग रहते हैं। हम लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चल के आएगा बोल तो रहा हूँ, बता दे इसको मनी। तो ये अपन पहुंच गए हैं हम लोगों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस पर लिखा हुआ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि ये बन के तैयार ही हो गया है। तो बस इसका जो है वो कलर नहीं आया है, इस पर कलर चढ़ाना बाकी है और पेंट वेंट होगा, उसके बाद में अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद देखते हैं कि अपन क्या शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करेंगे ज़रूर, अगर रहेगा जेब में पैसा तो करेंगे शॉपिंग पैसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे हम लोग जाएंगे तो ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आप लोगों को, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये फैकल्टीज लोगों का होम है। यहाँ पे फैकल्टी लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ से आते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और इसके जस्ट सामने है रामानुजन। रामानुजन को बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्टल है ये, बॉयज़ हॉस्टल है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि कितने लोग यहाँ आ सकते हैं, और सिंगल सिंगल रूम है सबके लिए, तो कोई इशू है नहीं रहने में। गाइस, तो जैसे अभी देख रहे हैं कि जस्ट मेरे पीछे है वो रामानुजन हाउस है। ये जो रामानुजन हाउस है ये हॉस्टल है हम लोगों का, बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल सबसे बड़ा, रामानुजन जो है वो सबसे बड़ा बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ का, जिसपे बहुत सारे लोग रहते हैं, सर लोग रहते हैं सेकेंड ईयर एमटेक वाले। और ये जो पीछे का है, पीछे जो दिख रहा है, इस पर फैकल्टीज लोग रहते हैं। और इधर है हम लोगों का प्लेग्राउंड, इतना अच्छा प्लेग्राउंड। तो मैं भी प्लेग्राउंड पे ही लेके जाऊंगा, प्लेग्राउंड दिखाऊंगा उसके बाद फिर प्लेग्राउंड। ये हम लोग का प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड में हम लोग फुटबॉल यहीं पे खेलते हैं, क्रिकेट यहीं पे खेला जाता है और मज़े लेते हैं। हे गाइस, हम लोग अभी चलते चलते लगभग एक राउंड हम लोगों का हो ही गया है, और धीरे धीरे आगे जाने पे मिलेगा हम लोगों को अपना गेस्ट हाउस, जो कि आरण्य है, जहां लोग आने के बाद रह सकते हैं। शायद फ़ीस भी लगती है यहां, कितनी फ़ीस लगती है हम लोगों को नहीं पता, बट आप अगर ट्रिपल आईटी एनआर के कैंपस में आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ रुक सकते हैं। तो जस्ट मैं सामने आ गया हूँ ट्रिपल आईटी एनआर के गेस्ट हाउस के सामने में। तो ये अपना गेस्ट हाउस है आरण्य, यहाँ पे आके बिल्कुल आप रुक सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर अंदर घुसने का दिखाएंगे नहीं अभी, क्योंकि कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा अंदर जाने के बाद कि भाई कौन क्या सुविधाएं हैं वहाँ, कैसी चलती है वहाँ लाइफ। तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। तो अपन अपने हॉस्टल पहुँचने वाले हैं, क्योंकि एक राउंड होने को है, अपन घूम रहे हैं और आप लोगों को कैंपस दिखा रहे हैं। तो आगे बढ़ने के बाद दिखाऊंगा भी हम लोगों को डायरेक्टर साहब जो हैं, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं, उनका जो हाउस है बोलना चाहिए, जो उनका बंगला है बोलना चाहिए, वो
यहीं है, हम लोगों के हॉस्टल के जस्ट सामने ही है। तो पहुंचने वाले हैं अपन हॉस्टल के सामने में है ये जो है, ये अपने डायरेक्टर सर का बंगला है जो पीछे में दिख रहा है वो। और हम लोग अभी अपने हॉस्टल में पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच ही गए समथिंग, और कुछ अभी टाइम भी हो गया है तो अपन नाश्ता कर लेंगे और फिर चल जाएंगे रूम अपने अपने रूम पे। और राहुल और वो लोग, राहुल और सनूप लोग आ ही गए पीछे से, तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। ये है अपना भाभा हाउस, भाभा हाउस का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। तो भाभा हाउस के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, और भाभा हाउस का जो नाम है वो हमारे डॉक्टर होम जहांगीर भाभा स्मृति मार्ग, जहां मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। तो पूरी कैंपस की सैर करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि IIITNR का कैंपस जो है वो कैसा लगा, और बने रहिए हमारे साथ, हम सब के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, है ना। तो गाइज़